तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप YouTube पे कैसे अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं YouTube वीडियो में, और कैसे अपना YouTube वीडियो में हैशटैग लगा सकते हैं जिससे आपका वीडियो थोड़ा सा रिकमेंडेड में जाएगा और आपको वायरल होने में आसानी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर जो आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ या कोई भी बंदा आपको बता रहा है कि आप ये टैग लगा लीजिए या फिर ये डिस्क्रिप्शन लगा लीजिए, ये हैशटैग लगा दीजिए, ये कीवर्ड लगा लीजिए, तो आपका चैनल 15 दिन में मोनेटाइज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है यूट्यूब पे, ये पहले आप समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको जैसे कोई टैग बता दिया कि बंदा कि आप ये टैग लगा लीजिए या फिर इस बंदे का वीडियो, बहुत सारे होते हैं कहते हैं इस बंदे का वीडियो में जो टैग लगा है, जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, जो यहाँ पे थंबनेल लगा, वही चीज कॉपी करके आप अपने वीडियो में लगा लीजिए, सेम उसी के नीचे आपका वीडियो दिखाई देगा। तो ऐसा बहुत सारे हैं, मिलियंस, आप कितने पता नहीं कितने लोग, करोड़ों लोग यहाँ पे यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चैनल पे सब लोग वही चीज फंडा फॉलो करते हैं और सबका वीडियो तो वायरल होने वाला नहीं है। बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है, बार बार वीडियो बनाते रहना है। इससे आपका यह होगा कि जब एक आपको कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे तो यूट्यूब आपके वीडियो को खुद रिकमेंड में भेजने लगेगा, लोगों को यहाँ पे दिखाने लगेगा कि आप यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। लेकिन अगर जो आप सोच रहे हैं कि 4-5 वीडियो बनाएं और बोर हो जाएं उसी में, और फिर सोच रहे हैं कि मेरे वीडियो पे तो व्यूज ही नहीं आ रहे, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, व्यूज नहीं आएंगे। क्योंकि दोस्तों जो पहला दूसरा तीसरा वीडियो, जब आप अपने चैनल पे कंटिन्यू 4-5 वीडियो डालने लगते हैं, 3 से 4 वीडियो, तब आपका यूट्यूब आपके रिकमेंडेड में भेजने लगता है। आप पहला वीडियो दूसरा वीडियो डालेंगे तो थोड़ा बहुत व्यूज, 2-4 व्यूज आ सकता है, लेकिन एक दो वीडियो और डालेंगे तो उस पर व्यूज ही नहीं आएगा। ऐसा मैं ऑलरेडी जितने भी चैनल्स हैं उस पर यही प्रॉब्लम रहती है, आपको जैसे पहला वीडियो डाले उसमें व्यूज आ जाएगा 2-4, क्योंकि यहाँ पे आपके पास तो ना सब्सक्राइबर है कि आपके पास ये सब्सक्राइबर, वो सब्सक्राइबर आपके देखेंगे, किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और एक दो वीडियो हो सकता है उस पर व्यूज ही ना आए। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप वीडियो डालना ही बंद कीजिए क्योंकि मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, आप 2-3 दिन पे वीडियो डालिए या फिर जो आप यहाँ पे टाइम बना रहे हैं उस पर वीडियो डालिए। बहुत सारे वीडियोज मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, जाएंगे अभी मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगा कि आप ये काम कर लो तो आपके 15 दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर आ जाएंगे, या फिर 15 दिन में 1,000 सब्सक्राइबर सॉरी पूरा हो जाएंगे, 10 दिन में आपका 4,000 वॉच टाइम पूरा होगा। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, वो आपके कॉन्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप कंटेंट बनाते हैं, कैसा कीवर्ड लगाते हैं, किस तरह का कंटेंट है आपका, लोग उसको सर्च कर रहे हैं और आपका यहाँ पे सर्च में आ रहा है कि नहीं। कितना भी यहाँ पे जल्दी आपका हो जाएगा तो कम से कम आपको 3 से 4 महीने लगेंगे, इससे पहले आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला है, ये आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। इससे कम में नहीं होगा, इससे ज्यादा टाइम आपको लग सकता है अगर जो आप यहाँ पे चैनल मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो। मेरा ये चैनल दोस्तों 10th मंथ में मोनेटाइज हुआ था, 10th मंथ में ऑलरेडी यहाँ पे कंटिन्यू वीडियो डाल रहा था यहाँ पे, और भी बहुत सारे आपको प्रॉब्लम आती रहती है, आपको वो सब पूरा हायर करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब पे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टैग कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, एक अच्छा सा कैची सा टैग आप अपने वीडियो में कैसे लगा सकते हैं। टैग का दोस्तों मतलब हुआ कीवर्ड, जो यहाँ पे हैशटैग का मतलब, हैशटैग नहीं बता रहा हूं मैं यहाँ पे, केवल कीवर्ड बता रहा हूं कि कैसे आप कीवर्ड लगा सकते हैं, टैग लगा सकते हैं हर वीडियो में। तो कहाँ से मेन जो सबसे ज्यादा फाइंड करते हैं, सबसे जेन्युइन तरीका कौन सा, वह मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जो वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे कि आप ये चीज कर लीजिए तो आपके चैनल पे व्यूज आने लगेंगे, वो सेटिंग जरूरी है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं जो करने पर आपके चैनल का जो है वो रीच बढ़ता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है, ऐसा नहीं कि आप बढ़ा लेंगे या कर लेंगे सेटिंग तो आपका एक यहाँ पे 1,000 सब्सक्राइबर 15 दिन में गेन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब्सक्राइबर जो होते हैं वो सब्सक्राइबर के ऊपर है कि वो कब आपका वीडियो कितना देखेंगे, कितना आप 1,000 व्यूज आएंगे उस पे आपको 100 सब्सक्राइबर भी मिल सकते हैं, 1,000 व्यूज पे आपको 1-2 सब्सक्राइबर भी मिल सकते हैं, वो तो आपके जो वीडियो देखते हैं उनके ऊपर होता है कि वो कितना आपको सब्सक्राइब करते हैं, कितना नहीं सब्सक्राइब करते हैं। और व्यूज भी दोस्तों सबसे ज्यादा नहीं आ पाएंगे, व्यूज मेन मुद्दा होता है कि व्यूज जो आता है वो आपको यूट्यूब जो रिकमेंड करता है लोगों को, उससे आपके व्यूज आते हैं। तो आपको पहली बात ये पूरा क्लियर हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको यहाँ पे यूट्यूब पे क्रिएट करना है वीडियो, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो को बता चुका हूँ, कैसे एडिटिंग करना है, कैसे आपको क्या करना है, मैंने पूरा क्लियर कर दिया था। अब इस वीडियो में आपको टैग कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं चलता हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, मैं यहां पे आपको फोन में भी बता सकता था लेकिन केवल कीवर्ड यहां पे सर्च करके मैं आपको दिखाने वाला हूं, यहाँ पे फोन में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसका स्क्रीन छोटा होता। अगर जो कोई सेटिंग बताना होता, जैसे पिछले वीडियो में मैंने कंप्यूटर ही बोला था लेकिन वहाँ पे डिस्क्रिप्शन कहाँ से आप सेव करेंगे ऑलरेडी वो मुझे बताना था, तो ऑलरेडी मैं फोन में बता दिया था आपको, लेकिन यहाँ पे केवल मैं तरीका बताने वाला हूँ, टैग कहाँ पे लगाना है, वीडियो में कैसे लगाना है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक बंदा है जो यहाँ पे देख सकते हैं,
इनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनके कुछ कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स दोस्तों देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये इन्होंने लिखा वर्क फ्रॉम होम फॉर स्टूडेंट, वर्क फ्रॉम बेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब 2022, बेस्ट वर्क पार्ट टाइम जॉब इनकम। तो जैसे पार्ट टाइम इनकम फॉर स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पार्ट टाइम इनकम, इतना ही मैं सर्च करूंगा पार्ट टाइम जॉब फॉर स्टूडेंट। ये यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब फॉर स्टूडेंट या पार्ट टाइम वर्क फॉर स्टूडेंट, इस तरह का मैं पार्ट टाइम यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ पार्ट टाइम जॉब या फिर इनकम। ये इन्होंने इनकम लिखा तो पार्ट टाइम इनकम, जैसे ही मैंने इनकम लिखा और यहाँ पे देख सकते हैं फॉर स्टूडेंट का ऑप्शन आ गया, पार्ट टाइम इनकम फॉर स्टूडेंट, ये देख सकते हैं पार्ट टाइम इनकम फॉर स्टूडेंट, पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम, इस तरह के मतलब जो कीवर्ड्स हैं आप यहाँ पे गूगल में ही आएंगे, मतलब सॉरी यहाँ पे यूट्यूब पे ही आएंगे। जैसे आपको किसी भी चीज पे एफिलिएट मार्केटिंग पे सर्च करना है तो यहाँ पे जो है आपको केवल एफिलिएट ही अपना इतना ही सर्च करेंगे, और आपका चैनल है एफिलिएट मार्केटिंग पे, तो एफिलिएट जैसे एफ सर्च करेंगे फर्स्ट में आपको कुछ कीवर्ड मिल जाएंगे, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग सोर्स, एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, तो आप ये सोर्स जो होता है, अगर जो आप अफिलिएट मार्केटिंग वीडियोस के बारे में बताएं, वेबसाइट के बारे में बताएं, तो अफिलिएट मार्केटिंग सोर्स है वो आप कीवर्ड डाल सकते हैं। लेकिन अगर जो केवल अफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स मतलब समझाएं कि क्या होता है कैसे किया, तो आप अफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स ये फर्स्ट कीवर्ड है, इसको आप कॉपी करके अपने टैग में डाल सकते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे और अपने टैग में डाल देंगे, ये बात आपको क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसका कीवर्ड है अफिलिएट मार्केटिंग 2022, अफिलिएट मार्केटिंग फ्री ट्रैफिक के बारे में बताए हैं तो आप डाल देंगे, अफिलिएट मार्केटिंग डाल देंगे, अफिलिएट मार्केटिंग फुल कोर्स इन हिंदी। तो ये सभी कीवर्ड जो आपको ऑलरेडी गूगल पे मतलब सॉरी यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च होते हैं, ये कीवर्ड आप अपने वीडियो में डालेंगे, ये टैग आप अपने वीडियो में डालेंगे, ये आपको अगर जो वैसे ही आप टैग डालेंगे, आप जाएंगे अपने टैग वाले ऑप्शन पे और अपना डाल देंगे जो भी है आप अपने वीडियो से रिलेटेड डालेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आप यहीं पे डाल देंगे। अगर जो अफिलिएट मार्केटिंग इसका कीवर्ड मैं गलत कर देता हूँ, मार्केटिंग यहाँ पे गलत कर देता हूँ मैं कीवर्ड, और यहाँ पे फुल कोर्स जैसे मैं अफिलिएट मार्केटिंग डाला हूँ, यहाँ पे कोई फुल कोर्स ना डालूं, फुल यहाँ पे इतना ही डाल दूं अफिलिएट मार्केटिंग फुल, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पे ये कीवर्ड सब नहीं डालूंगा जो यहाँ पे हाईलाइट है ऊपर वाला। ऊपर से कम आपको 3 कीवर्ड डालना है आपके अपने वीडियो से रिलेटेड। जैसे मैं यहाँ पे एक कीवर्ड छोड़ दिया था, जैसे यहाँ पे मैं अफिलिएट मार्केटिंग सर्च किया था और एक कीवर्ड ऊपर वाला छोड़ दिया था, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक, ये ट्रैफिक सोर्स, तो मैं अगर जो ट्रैफिक सोर्स से रिलेटेड मेरा वीडियो नहीं है तो ये कीवर्ड छोड़ के 2 कीवर्ड डालूंगा, 3 कीवर्ड डालूंगा, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग 2022 ये डालूंगा। अब सिंपल सा मैं इस वीडियो में जो है आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात पहले क्लियरली समझ लीजिए, यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल पे टैग कैसे लगाएं। तो जस्ट यहाँ पे यूट्यूब, यहाँ पे सर्च करूंगा मैं यूट्यूब चैनल पे या फिर यूट्यूब वीडियो में, YouTube वीडियो में टैग कैसे लगाएं, यहाँ पे YouTube वीडियो में टैग कैसे लगाएं, यहाँ पे ये सर्च करना है। अभी यहाँ पे इससे टैग, मैंने जैसे ही टैग लिखा यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए, इतने सारे हैं। अब YouTube वीडियो में टैग कैसे लगाएं, लगाते हैं ये आप सर्च कर लेंगे, ये लिख डाल देंगे अपने वीडियो में। YouTube वीडियो में टैग कैसे बन लगाएं ये भी आप डाल सकते हैं, YouTube वीडियो में टैग कैसे लगाते हैं 2022, ये 3 कीवर्ड आप उठाएंगे और वहां पे अपने टैग में डाल देंगे। अब ये तो हो गया कि आप ये तो कहेंगे कि आप मेरे को 3 ही कीवर्ड मिला, आप 3 में बहुत हो जाएगा, 100 हो जाएगा और मुझे 500 का ऑप्शन है, तो आपको ये करना है। एक हो गया तो YouTube वीडियो में टैग कैसे लगाएं, तो यहाँ पे हाउ टू फाइंड वायरल टैग ऑन YouTube वीडियो, वायरल टैग ऑन YouTube वीडियो, ये सभी डाल देंगे। देखिए दोस्तों मैंने जैसे लिखा हाउ टू गेट वायरल टैग ऑन YouTube वीडियो 2022 यहाँ पे आ गया, इसको मैं यहाँ पे उठा के डाल सकता हूँ, या फिर आप यहाँ पे हाउ टू फाइंड वायरल टैग ऑन यूट्यूब वीडियो इतना भी लिख देंगे वो आप डाल देंगे, फॉर यूट्यूब वीडियोस ये भी आप उठा के डाल देंगे। तो इसी तरह का आपके दिमाग में जिस तरह का आप टैग आ रहा है यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे ही आप 3-4 कीवर्ड सर्च करेंगे आपके ऊपर ये टैग आ जाएंगे, वीडियोस आ जाएंगे, मतवारी यहाँ पे टैग आ जाएंगे, और इन्हीं टैग को कॉपी करके अपने वीडियो में डालना है और इन्हीं टैग में 2-3 कॉपी करके अपने यहाँ पे टाइटल में डालना है, ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको आगे समझा देता हूँ कि जैसे ये टैग है अब इस पे बहुत सारे वीडियोस बने हैं, तो आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आप इस पे बहुत सारे वीडियोस बने हैं। तो इसमें जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम सर्च कर लेता हूँ, मैंने वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे सर्च किया,
ये देख सकते हैं वर्क मैंने लिखा, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम जॉब जॉब आ गया। अब इसको लगाने से फायदा आपको नहीं होने वाला है। अगर जो आपका जैसे मुझे मेरा तो यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग पे है, तो मैं वर्क फ्रॉम होम पे लगाता हूँ, क्योंकि इस पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं। देख सकते हैं ये बंदे का अभी किस आवर हुआ है, ये यहाँ पे ट्रैक पे फर्स्ट पे चल रहा है, एक दिन में ये देखिए फर्स्ट पे चल रहा है। तो यहाँ पे जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर उनका ज्यादा चांस होता है, लेकिन अगर जो हर वीडियो में आप एक कीवर्ड लगाएंगे वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम, तो आपका कीवर्ड यहाँ पे सर्च पे फर्स्ट पे चला जाएगा। अब इस बंदे को देख सकते हैं, मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या है। जस्ट मैंने इसको खोल के दिखाया, इतने देख सकते हैं 140,000 सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ पे इसका फर्स्ट इससे ज्यादा सब्सक्राइबर वाले हैं। ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा सब्सक्राइबर वाले नहीं है, इनका 5 मिलियन सब्सक्राइबर यहाँ पे देख सकते हैं, तभी आपको इनका इसका वीडियो बंदे का फर्स्ट पे रैंक कर रहा है। तो आपको यही सेम करना है कि आपको जो कीवर्ड है यहाँ पे आना, सर्च करना, फर्स्ट पे जो आएगा वो सर्च कर लेंगे, मतलब डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ, अगर जो आप सभी कीवर्ड ऐसे ही डालेंगे, जैसे मैं इस बंदे का कीवर्ड दिखा देता हूँ, पूरा कीवर्ड जो होगा इस बंदे का, नए लोगों का या इस बंदे का, एकदम डिफिकल्ट कीवर्ड नहीं होगा। आपको आना है गूगल में और यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च कर लेना है। जस्ट मैं इसको बैक कर देता हूँ, यहाँ पे एच सुपर टूल सर्च कर लेना है। ये कीवर्ड यहाँ पे सर्च करने के बाद एक वेबसाइट ओपन होगी, ये फर्स्ट वाला खोल लेना, आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही फर्स्ट वाला वेबसाइट यहाँ पे ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे इस प्रकार का एक ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि किस कीवर्ड पे आपको ज्यादा कंपटीशन मिलेगा और किस टैग पे आपको यहाँ पे कम कंपटीशन मिला है, वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। जस्ट यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे खोल लेंगे यूट्यूब वाला, और फर्स्ट वाला ऑप्शन जैसे ही आप खोलेंगे यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आके आप गूगल SEO में आपको पेस्ट कर देना। ये आपके फोन में भी आसानी से चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। यहाँ पे आके आपको गूगल SEO में यही चीज आपको पेस्ट कर देना है। जस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च पे आपको क्लिक कर देना है, और इस कीवर्ड को ये सर्च करके बताएगा, डेटा फाइंड करके बताएगा कि कितना यहाँ पे आपको ये काम करने लायक है या इस कीवर्ड पे कि नहीं। अब देख सकते हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब नो एक्सपीरियंस, यहाँ पे जो कीवर्ड मैंने सर्च किया था वो आप देख सकते हैं, इसको पर मंथ 5 लाख से ज्यादा लोग सर्च करते हैं, और कंपटीशन मीडियम में है इसका, कोई ज्यादा हाईलाइट इसका कंपटीशन नहीं है, 5.16 है। अब यहाँ पे देख सकते हैं रैंक डिफिकल्टी, अब यहाँ पे देख सकते हैं और भी बहुत सारे इससे कीवर्ड आगे, जैसे वर्क फ्रॉम होम आगे, इस पे बहुत हार्ड कंपटीशन, यहाँ पे देख सकते हैं हार्ड कंपटीशन है, यहाँ पे 9.96 का है, और यहाँ पे सर्चेबल जो वैल्यू है यहाँ पे इसके देख सकते हैं 7 लाख से ज्यादा लोग पर मंथ यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आपको कीवर्ड फाइंड करना है। आप यहां पे आएंगे, जैसे ये देख सकते हैं ये इजी कीवर्ड है, लेकिन इसको 1200 लोग यहां पे 1288 लोग केवल यहां पे सर्च कर रहे हैं। अब यहां पे देख सकते हैं 1500 लोग यहां पे सर्च कर रहे हैं, यहां पे देख सकते हैं रिमोट जॉब से आप देख सकते हैं बहुत सारे यहां पे मेक मनी ऑनलाइन है, इसको देख सकते हैं ये मीडियम में है, और इसको सर्चेबल देख सकते हैं 22 लाख से ज्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं। अब ये कीवर्ड आप अपने फोन में उठा के डाल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे वीडियो में उठा के डाल सकते हैं। तो आपको कीवर्ड कैसे फाइंड करना वो भी आप समझ लीजिए, कीवर्ड आपको बता दिया कहाँ से सर्च करना। अब आपको कुछ यहाँ पे डिफिकल्ट कीवर्ड डालना है, हाई लेवल के डिफिकल्ट कीवर्ड, हार्ड कीवर्ड डालना है, कुछ मीडियम डालना है, और कुछ कीवर्ड बहुत इजी डालना है। तो तीनों मिक्स करके आप डालेंगे तो आपको यहाँ पे जो वीडियो होगा वो वायरल होने में बहुत ही आसानी होगी। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताने वाला था कि कीवर्ड कैसे आप फाइंड करेंगे। अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।